नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। राजस्थान की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ रोचक होता है। यहां विपक्ष और पक्ष एक दूसरे को आड़े हाथ लेने से बाज नहीं आते। हाल ही में नागौर से नव निर्वाचित सांसद हनुमान बेनीवाल ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बेनीवाल ने ट्वीट करके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और बीजेपी सरकार को आड़े हाथ ले लिया और आरोप लगाते हुए कहा है कि नागौर संसदीय क्षेत्र और नागौर जिले में केंद्र की CRIF यानी कि सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंदर निर्माण और निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता की काफी कमी है। इन कामों में मिलीभगत दिखाई देती है। सीएम भजनलाल को ACB से इसकी जांच करानी चाहिए। साथ ही बेनीवाल ने आगे कहा कि इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिम्मा संभाल रही राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने विभाग के अफसरों और अभियंताओं की मनमानी के आगे बेबस है। अधिकारियों की झूठी रिपोर्टों के आधार पर वो महकमे का संचालन कर रही है, साथ ही खुद के महकमे पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और नागौर से सांसद भी रहे थे। इस बार बेनीवाल ने इंडी गठबंधन का हाथ थाम लिया है और जीत भी दर्ज की है, तो ये तो तय है कि इस बार बेनीवाल भाजपा पर जमकर बरसेंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।